नाज़रीन, जंग में हजरत शाह जिब्रा के उर्स की तकरीबात का सिलसिला शुरू हो चुका है। ज़ायरीन की भी बड़ी तादाद का आमद जारी है, जबकि सजादा नशीन मखदूम सैयद फैसल साल हयात ने रस्म कीड़ी अदा कर दी, जिसके बाद 5 रोज बाद रस्म चराग अदा की जाएगी। और हजरत सैयद महबूब आलम अलमारूफ पीर शाह जिब्रा करोड़िया के पोते सैयद लजम इमाम के 466वें उर्स की तकरीबात का सिलसिला जो है वो जारी है। मेरा शाह जीवना की तकरीबात जो है वो शुरू हो चुकी है, जबकि रस्म चराग 10 मई को बाद नमाज मगरिब अदा की जाएगी, जबकि चराग 120 फुट बुलंदी पर चढ़ाने की तकरीब सजादा नशीन मखदूम सैयद फैसल साल हयात अदा करेंगे। उसकी तकरीब का जो सिलसिला है वो बाकायदा 3 रोज से जो है वो शुरू होगा रस्म चराग के बाद, लेकिन उससे कबल रस्म कीड़ी अदा की जाती है। और ज़ायरीन की भी बड़ी तादाद शाह जिब्रा पहुंचना शुरू हो चुकी है। लोग दरबार सैयद महबूब आलम अलमारूफ पीर शाह जिब्रा करोड़िया पर हाजिरी देकर मनते मुरादे मांग रहे हैं। अकीदतमंद जो है उनकी आमद का सिलसिला जारी है, नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं, जबकि उर्स की रसूमात के लिए सजादा नशीन मखदूम फैसल साले हयात ने चक्की चूंग की रस्म गंदम के दाने पीस कर आटा तैयार किया है और अदा कर दी है। और रस्म चराग अब 5 रोज बाद जो है वो अदा की जाएगी, और एक हफ्ता रस्म कीड़ी अदा करने के बाद जो है वो एक हफ्ता कबल दुनियावी राबते खत्म करके सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए एक कमरे खास में मुंतकिल हो जाते हैं। इससे रस्म कीड़ी पर बैठना कहा जाता है, जो बड़े अहतमाम से अदा की जाती है। एक हफ्ते की मुसलसल इबादत के बाद सजादा नशीन फिर चराग चढ़ाने की रस्म अदा करेंगे और 10 मई की शाम को ही वो बाहर आएंगे, जहां पर सजादा नशीन की एक सिर्फ झलक को देखने के लिए हजारों की तादाद में अकीदतमंद और जायरीन वहां मौजूद होंगे। रस्म चराग का मंजर बहुत जो है वो हैरानकुन होता है, क्योंकि चराग चढ़ाने तक हजारों के मजमे के जो हजारों का जो मजमा होता है वो वहां पर मौजूद होता है, और जो जायरीन है उनकी बड़ी तादाद वहां पर जो है वो पहुंचती है। और अगर यहाँ पर कहा जाता है कि चराग चढ़ जाए तो फिर मेला लगाया जाता है, 3 रोजा मेला जो है उसकी तकरीबात का आगाज हो जाता है। अगर खुदा ना खास्ता चराग ना चढ़े तो मेला उसकी तकरीबात जो है वो मुलतवी कर दी जाती है, क्योंकि दरबार की करामत के बारे में मशहूर है कि अगर चराग ना चढ़े तो सजादा नशीन और इसके खिदमतगार खास मलंग समेत दोनों का उसी रात इंतकाल हो जाता है। हजरत सैयद महबूब आलम अल मारूफ पीर शाह जिब्रा करोड़िया का शुमार बुलंद पाया बुजुर्गान दीन में होता है, जबकि जिनके मुतल्लिक जो है मशहूर है कि उन्होंने 1 करोड़ मरतबा सूरत मुजम्मल तिलावत फरमाकर वजीफा किया था, जिसके बाद उनको करोड़िया के लकब से याद किया जाता है। हर साल 10 मई को इनके पोते सैयद लदन इमाम जो एक बुलंद पाया बुजुर्ग थे कि याद में उर्स मनाया जाता है और मेला शाह जिब्रा मुनक्कद किया जाता है। रस्म चराग को देखने के लिए लोग दरबार पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो नाज़रीन, वीडियो से मुतल्लिक जो है अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, आप वीडियो से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार करें, इंशाल्लाह हम आपको तमाम तकरीबात बराह रास्त दिखाएंगे और ज़ायरीन से बात भी करेंगे, और इस हवाले से जो अपनी कवरेज का सिलसिला है वो जारी रखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि उसकी तकरीबात सबसे पहले आपको उसके जो वीडियोस की नोटिफिकेशंस मौसूल होती रहे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।